विधायक मंदाताई माथरे ने आज नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और सिडको भूखंड पर प्रस्तावित हॉस्पिटल, सानपाड़ा में प्रस्तावित लाइब्रेरी के शीघ्र निर्माण के लिए जरूरी पहल करने की अपील की। उन्होंने विविध नागरी विकास उपक्रमों पर चर्चा की। उनके साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। विकास उपक्रमों के जरिए नया इतिहास लिखने में जुटी बीजेपी विधायक मंदाताई माथरे ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और बेलापुर में प्रस्तावित हॉस्पिटल एवं सानपाड़ा में प्रस्तावित एडवांस लाइब्रेरी के निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया निपटाने की मांग की। उन्होंने स्मार्ट विलेज दिवाले में दूसरे चरण के विकास पर विधायक निधि का 4.5 करोड़ खर्च करने का भी भरोसा दिलाया। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए मंदाताई मात्रे ने आयुक्त से 30 एकड़ जमीन की भी मांग करते हुए कहा कि यदि यह भूखंड मिलता है तो वहाँ पर्यटन और रोजगार का ऐतिहासिक उपक्रम विकसित करेंगे। मेरा जितना भी आमदार विकास निधि है 4-4.5 करोड़ या 5 करोड़, उस सब में महापालिका को विलेज के लिए इधर के प्रकल्प के लिए मैं दे रही हूँ। अलग अलग प्रकल्प दूसरे गाँव में उसके लिए भी, अभी सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए मैं 25 लाख रुपये दिया हूँ। बेलापुर गांव के जो मार्केट बन रहा है उसके लिए 25 लाख दिया हूँ। बाकी का जो 4.5 करोड़ का जो निधि है वो इस विलेज के लिए मैं यूज कर रही हूँ, और कम पड़ेगा तो महानगर पालिका करेगी या CSR फंड से लाएंगे या और किसी संस्था से लाएंगे, मगर ये काम जल्द से जल्द ये विलेज मेरे को पूरा करके देना है। मनपा आयुक्त से मुलाकात में इस बार सानपाड़ा में प्रस्तावित लाइब्रेरी का मुद्दा सुर्खियों में रहा। बीजेपी विधायक ने इस लाइब्रेरी के लिए 25 लाख की विधायक निधि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि नई मुंबई एजुकेशन हब है और यहां सानपाड़ा शहर के केंद्र में है, जहां लाइब्रेरी होने का फायदा नई मुंबई के छात्रों और पुस्तक प्रेमियों दोनों को मिलेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपन हा जो प्रकल्प विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जो घेतलेला, वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तक असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचं तिथे मुलांना प्रशिक्षण असेल, शिक्षण असेल, MP थिएटर असेल, असं वेगवेगळं घेऊन मी आयुक्त आणि सर्व अधिकाऱ्यांना धन्यवाद देते की त्यांनी ही जी लायब्ररीची कल्पना जी माझी होती ती सत्यात उतरवली आहे आणि चांगल्या पद्धतीने ही सेंट्रल लायब्ररी झाली, हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।